गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स सल्यूशन लेक्चर नंबर 9 को तुम मानक सब वेलकम करू छी। तो प्रीवियस क्लास से बहुत गैप हो गया, मंडे टू मंडे पर 8 डेज गैप होता। सो हम प्रीवियस क्लास में कौन पढ़ते डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कौन होता कि जो टेम्परेचर में गोटे लिक्विड वेपर प्रेशर सॉलिड वेपर प्रेशर समान होता फ्रीजिंग पॉइंट कर ग्राफ विषय करते वेपर प्रेशर सहित टेम्परेचर ग्राफ भी देखते पूरा एक किसी आसता जोटा कि लास्ट को प्रूफ करते डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आज मेन टॉपिक हूँ पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर, किंतु ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा पूर्व किसी टर्म अच्छी डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस रु हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा। डिफ्यूजन कौन, ऑस्मोसिस कौन, ऑस्मोटिक प्रेशर कौन, डिटेल्स हम चेक करवा। तो डिफ्यूजन कौन जानते मिक्सिंग प्रॉपर्टी था हम जानते डिफ्यूजन फर्स्ट ईयर पढ़ते डिफ्यूजन गैस पार्टिकल गैसियस पार्टिकल्स माने मेनली डिफ्यूजन शो करे, लिक्विड भी शो करे, सॉलिड डिफ्यूजन शो करे ना। डिफ्यूजन कौन होची फ्री मिक्सिंग ऑफ गैसियस पार्टिकल्स बा गैसियस स्टेट में होची फ्री मिक्सिंग है। कौन करिबो ओटे होमोजेनियस मिक्सचर कौन करिबो एटी होमोजेनियस मिक्सचर, किंतु लिक्विड केस रे मिक्स तो हबो केमिति मिक्स हबो इमें गैसेस पार्टिकल्स से जेकोसी रेसीो आम गोटे गैस पार्टिकल्स को आउ गए गैस पार्टिकल्स सहित मिसाई देवा से मिक्स हो जाता है। कि लिक्विड केस रे टिके चेंज आसो सी कौन कहते गोटे कंसंट्रेशन टर्म चेक कर। कंसंट्रेशन टर्म क्या डिपेंड कै सॉल्यूट पर, जो भी सॉल्यूट रो क्वांटिटी अधिका से कंसंट्रेशन अधिका, जो भी सॉल्यूट रो क्वांटिटी कम से कंसंट्रेशन कम। तने एटी कौन हो डिफ्यूजन रे कौन हो हायर कंसंट्रेशन दीटा लिक्विड नहीं जीवा गोटे कौन कर दीटा कंटेन रखीदे सस्ता मेम्ब्रेन मझे लगेदे मेम्ब्रेन कौन जो इजिली पास कर वन टाइप अफ आम कहीपर जो मेम्ब्रेन सेमी पर मेम्ब्रेन टी कॉस्टली नॉर्मल मेम्ब्रेन गोटे लगेदे तारा जाली भाई किसी जिनस गोटे लगेदे से कौन हम ना जो सल्यूसन जो दीटा सल्यूसन ने जार कनसनट्रेसन टर्म अधिका कनसनट्रेसन टर्म अधिका मानते सल्यूट क्वांटिटी अधिका आ जार कनसनट्रेसन कम मान सल्यूट क्वांटिटी कम तने डिफ्यूजन कौन कौन जो मूवमेंट हम कहार हम सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ मूवमेंट हम सॉल्वेंट भी हम आ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ मूवमेंट कौठ हम जो कंसंट्रेशन अधिका थी से जो लोअर कंसंट्रेशन थी सॉल्वेंट पार्टिकल्स ऑफ मूवमेंट कौठ हम जो लोअर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन माने आम कौन देखिले सॉल्यूट क्वांटिटी कम अच्छी सॉल्वेंट क्वांटिटी अधिका आ जो सॉल्वेंट क्वांटिटी अधिका रहा से नेक्स्ट जो लो थी तार मूव कर जमी एक्जाम्पल लिखा है देख नेट मूवमेंट आवरेज रेजल्टेंट रेजल्टेंट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस रेजल्टेंट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन को आम कौन कहे डिफ्यूजन कहे जमी एक्जाम्पल देख कौन कहुची सल्यूशन वन अच्छी सल्यूशन टू अच्छी सल्यूशन वन कंसंट्रेशन हो सी वन सल्यूशन टू कंसंट्रेशन हो सी टू तो आम गिवन अच्छी कौन हियर्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वन मोर अच्छी फल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू कौन अच्छी कम अच्छी आम आगे बुझा कंसंट्रेशन अधिका माने कौन जानवा सॉल्यूट रो क्वांटिटी अधिका आ सॉल्वेंट रो क्वांटिटी कौन अच्छी कम अच्छी कंसंट्रेशन अधिका माने कौन कहली सॉल्यूट रो क्वांटिटी अधिका अच्छी सॉल्वेंट रो क्वांटिटी कौन अच्छी कम अच्छी। नेक्स्ट पूरा उल्टा आसीब कंसंट्रेशन कम माने आम कौन बुझा सॉल्यूट रो क्वांटिटी कम अच्छी फाइल सॉल्वेंट रो क्वांटिटी कम अच्छी अधिका सॉल्वेंट एंड वाइट ऑफ वाटर बा लिक्विड अधिका थी कम सॉल्यूट थी कंसंट्रेशन माने कहते कौन वन टाइप ऑफ विस्कस विस्कस अधिका केतल आसो एटले अधिका अमाउंट ऑफ आम सॉल्यूट एड कर देन कंसंट्रेशन अधिका अच्छी माने सॉल्यूट रो क्वांटिटी अधिका अच्छी फाइल सॉल्वेंट रो क्वांटिटी कम किंतु यदि कंसंट्रेशन कमी जाउची तो सॉल्यूट रो क्वांटिटी कमी गला फाइल कंसंट्रेट सॉल्यूशन सॉल्वेंट रो कम होची भैल्यूटा क्वांटिटा कौन जा बढ़ी जाठी जो मुवमेंट हम नेट मुवमेंट क्वाड हम सल्यूट कौट हम हायर कनसनट्रेसन लोअर कनसनट्रेसन सल्भेन्टर मुवमेंट क्वाड हम लोअर कनसनट्रेसन हाइ कनसनट्रेसन क्वेश्चन आसला यही केस्रे सल्यूट कड़े मुव कर सल्यूट कौन कर मुव कर सल्भेन्ट सल्यूट कौन कर देख दि सल्यूट रुवमेंट कौ आड़े सी ओन सी टू को सी टू रु सी ओन बोथ नन अफ आम डेफिनेसन देख लिखा नेट
सॉल्वेंट बस सी टू रु सी वन तुम्हें सॉल्यूट पार्टिकल्स मूवमेंट होउची किंतु बेसी परिमाण बा बेसी क्वांटिटी कोट होउची सी वन ओ सी टू सेति लेखा जे नेट मूवमेंट बा रिजल्टेंट मूवमेंट कोटी अधिक आछी सी वन ओ सी टू को मूवमेंट अधिक आछी किंतु आंसर आसीओ बोथ कारण मूवमेंट पचारची सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ मूवमेंट कंसंट्रेशन 1 नु कंसंट्रेशन 2 हे परिवो कंसंट्रेशन 2 रु कंसंट्रेशन 1 हे परिवो बा बोथ हे परिवा नॉन ऑफ दिस हे परे एते बोथ हव रीजन को कहली जो केस रा हायर कंसंट्रेशन सेटी सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव मेला को लोअर कंसंट्रेशन को आ लोअर कंसंट्रेशन में सॉल्यूट अछि हम जानछती सेटी भी किछ मूवमेंट हव किंतु क्वांटिटी कम हिजबो C2 रु C1 नो सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ मूवमेंट बहुत कम आसीबो फाइन सिन C1 नो C2 रे सॉल्यूट क्वांटिटी रो अधिक अधिक आसी कोइसा छि ऑलरेडी कंसंट्रेशन जोटी अधिक सॉल्यूट सेटी अधिक तो सॉल्यूट सही हो सही बा कंसंट्रेशन जोटी अधिक से केसे सॉल्यूट अधिक मूव करबो आ जोटी सॉल्यूट रो क्वांटिटी कम अछि सॉल्यूट कम मूव करबो आमे इ नेट मूवमेंट नउ छथि त नेट मूवमेंट कोठी अधिक आसुचि C1 नो C2 किंतु बोथ रे सॉल्यूट कम पछि एटी जाई पछि पास कर पछि किंतु उल्टा केसे सॉल्वेंट सॉल्वेंट भी दीटा साइड जाउ C2 रु C1 उ जाउ छी C1 रु C2 उ जाउ छी किंतु C1 केसे सॉल्वेंट रो क्वांटिटी कम यु C2 केसे सॉल्वेंट रो क्वांटिटी अधिक आ रिजल्टेंट चेक करबा सॉल्वेंट रो मूव कोठ होबो C2 रु C1 कम C2 रु पाछी वटी C1 तने देखिले डिफ्यूजर पहुंची नॉर्मली कंसंट्रेशन जहार अधिक आ जहार कंसंट्रेशन कम तन हायर कंसंट्रेशन नो लोअर कंसंट्रेशन को फ्लो करबो पास ओके न बुझी पाथु आउतर कहउची डिफ्यूजन मिक्सिंग प्रॉपर्टी मिक्स हबो केमिति मिक्स हबो ओटे हायर कंसंट्रेशन माने कहली को जोटी सॉल्यूट रा क्वांटिटी अधिका जोटी सॉल्यूट रा क्वांटिटी अधिका आ जोटी सॉल्यूट रा क्वांटिटी कम ए माने कहबे इंटर मिक्स हे बैलेंस करबे से ओके बुझी पाथु सॉल्यूट सी1 नु सी2 को जाउची सी2 नु सी1 के आछी किंतु नेट मूवमेंट सॉल्यूट रो कोठी अधिक आछी सी1 नु सी2 को व्हाइल सी2 रु सी1 को सॉल्वेंट मूव करछी किंतु हम जान जंदी सी1 नु भी सी2 सॉल्वेंट मूव करछी किंतु सही केस से नेट मूवमेंट कार अधिक आसला सी2 रु सी1 कारण सी2 केस से सॉल्वेंट रो क्वांटिटी अधिक आ जोटी सॉल्वेंट रो क्वांटिटी अधिक बा सॉल्यूट रो क्वांटिटी अधिक सेटू एटा अलगा लोअर को हम को करबा सॉल्वेंट बा सॉल्यूट मूव करबो सॉल्यूट रो हायर रु लोअर सॉल्वेंट हायर रु भी लोअर यो डिफरेंस केस रे जोट सॉल्यूट अधिक सेट कंसंट्रेशन अधिक जोट सॉल्यूट कम आसीबो सेटि पा सेट कम आसीबो बा जोट कंसंट्रेशन कम आसीबो सेट कम आसीबो सॉल्वेंट रो क्वांटिटी अधिक आसी बहलिया देथि कहबा एग्जांपल ओटे कंटेनर नै गले जोथरा हम का करचंती 5 ग्राम सुगर ऐड करचंती देन इन 5 लीटर वाटर नाउ ओटे कंटेनर नै गला कोन करबा एथि 5 केजी सुगर ऐड करबा 5 लीटर वाटर एंड कंसंट्रेशन कोठे अधिक आसीबो एही केस रे एंड 5 ग्राम उठला वाला 5 केजी सॉल्यूट रो क्वांटिटी अधिक सॉल्यूट रो क्वांटिटी अधिक माने एटू एठी की सॉल्यूट पार्टिकल्स रो नेट मूवमेंट अधिक आसीबो तो एही केस से सॉल्वेंट पार्टिकल्स रो मूवमेंट कोड आसीबो एटू एठी की ओके द लेस कंसर्ट नै जा ओके देन तर हम कोन पढ़ले डिफ्यूजन पढ़ी सारले डिफ्यूजन कोन हला कहार पार्टिकल्स सॉल्यूट पार्टिकल्स रो मूवमेंट हबो को केस रे बोथ हो सॉल्यूट हो भी सॉल्वेंट हो कि सही कैसे कहला हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन को मूव ओके ऑस्मोसिस पढ़ा ऑस्मोसिस से कौन देखा एटी सॉल्वेंट पार्टिकल्स ऑफ मूवमेंट कौट हो सॉल्वेंट ऑलरेडी कही सारी देख सॉल्वेंट रो क्वांटिटी अधिक माने आम कौन बुझा सॉल्वेंट रो क्वांटिटी अधिक माने कौन बुझा एटी कंसंट्रेशन कम अच्छी कंसंट्रेशन कम माने सॉल्वेंट रो क्वांटिटी अधिक तरे कौन देखे स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो हो कोटु ब कहाँ साजिर हम एटी नाम नेबा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल माने कौन करिवो किछि परमिट करिवो किछि परमिट करिवो सेमी परमेबल किछि परमिट करिवो किछि के ब्लॉक कर दबो छाडिवो ओके थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन कोन लिखाय छि लोअर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन रे सॉल्वेंट रो क्वांटिटी अधिका फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन क्वाड मूव करियो से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड एटा हम प्योर सॉल्वेंट मानि दबा प्योर सॉल्वेंट माने केवल सॉल्वेंट क्वांटिटी अछि सी वन टा सॉल्यूशन अछि सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड हो कारण सॉल्वेंट अछि माने त हम कोन कहि परे हेती सॉल्वेंट रो क्वांटिटी अधिका बा कंसंट्रेशन कम अछि मोलरी कोशिया जी 5 ग्राम सुगर रे यदि 5 लीटर वाटर ऐड करबा
फाइव के जी सुगार फाइव लिटर व्टर आड करवा से कन्सनट्रेसन कार अधिका हम सलिड क्वांटिटी जोटि अधिका कन्सनट्रेसन से अधिका तेनाली फाइव के जी सुगार जो केस रोचे से ही केस कन्सनट्रेसन अधिक आस तेनाली कौन देखे लोअर कन्सनट्रेसन टू हायर कन्सनट्रेसन सिमिलर देखिए कन्सनट्रेसन अफ सल्यूशन वाज ग्रेटर दैन सल्यूशन कन्सनट्रेसन अफ कौन अच्छी सल्यूशन टू सल्यूशन वन कन्सनट्रेसन अधिका मान सल्यूटर क्वांटिटी अधिका सल्वेंटर क्वांटिटी कम सल्वेंट सल्यूशन टू रे कन्सनट्रेसन कम अच्छी मान सल्वेंटर क्वांटिटी अधिका अच्छी तेज सल्वेंटर मुवमेंट कौट हम सी टू रु कड़े हम अटी सी वन सी टू रु कब सी ओन अंक जेहेतु मुलरेडी कही सारी सी टू कन्सनट्रेसन कम अच्छी मान सल्वेंटर क्वांटिटी अधिका सल्वेंटर क्वांटिटी जो अधिका अच्छी जो कम अच्छी से अधिकार कम को कौन कर फ्लो कर जहाद्वारा कि से बालांस करें स्पन्टानिअस फ्लो अफ सल्वेंट मलिकुल्स सल्वेंट मलिकुल्स स्पन्टानिअस फ्लो गुड फ्रम लोअर कन्सनट्रेसन अफ सल्यूशन टू हायर कन्सनट्रेस सल्यूशन किंवा प्योर सल्वेंट रु टू सल्यूशन सैड कौन हम मुवमेंट हम तक आम कौन कही पारे ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रोचे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो रोचे कहली कौन सेमी परमेबल सेमी परमिट क्या परमिट करमिट करमिट कर से पास कर बाहरी जहाँ परमिट कर ब्लक करद तेज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक्जाम्पल नहीं देख परसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पार परचेंट मेम्ब्रेन नहीं पार नर्माली आम एनिमल मेम्ब्रेन नहीं पार सेलोफेन मेम्ब्रेन जोटा कि मेन जोटा कि कॉस्ट जो आस सेलुलोज तैयारी जो मेम्ब्रेन को सेलोफेन मेम्ब्रेन कर सेलोफेन मेम्ब्रेन होप यू ऑल अंडरस्टैंड चेक आउे कौन डिफ्यूजन ऑस्मोसिस डिफरेंस कौन डिफ्यूजन कौन जहाँ हायर कन्सनट्रेसन मान बोथ हो सल्यूट्र भी फ्लो हो सल्वेंट्र भी फ्लो हो कौट हो हायर रु लोअर हो सल्यूट फ्लो कर लोअर रु हायर कौन कर सल्वेंट फ्लो कन्सनट्रेसन कन्सनट्रेसन जो अधिका सल्यूट्र क्वांटिटी अधिका जो सल्यूट्र क्वांटिटी अधिका सल्यूट से फ्लो कर जो कन्सनट्रेसन कम मान सल्वेंट्र क्वांटिटी कम आ सल्वेंट्र क्वांटिटी सरी कन्सनट्रेसन कम मान सल्यूट्र सल्वेंट्र क्वांटिटी अधिका जो सल्वेंट्र क्वांटिटी अधिका अच्छी जो कम अच्छे से सैड फ्लो कर कन्सनट्रेसन अधिक मान सल्यूट अधिका कन्सनट्रेसन कम मान सल्वेंट अधिका आ जो अधिका अच्छी सियाड को जो कम अच्छे ताड़ से फ्लो कर सल्यूट फ्लो कर हायर रु लोअर सल्वेंट फ्लो कर लोअर रु हायर ओके स्क्रीनशॉट नहीं जाओ ओके ओके देन प्लान कौन पढ़ले डिफ्यूजन पढ़ीदे एलंग विथ ऑस्मोसिस हम सर एवं कौन पढ़िया मेन जोटा कि ऑस्मोटिक प्रेसर दिम्बल हो पाए ऑस्मोटिक प्रेसर कौन ऑस्मोसिस जानले कौन होची सॉल्वेंट रु सल्यूशन को कौन होची और सॉल्वेंट रा मूवमेंट कौन होची लोअर कन्सनट्रेसन हायर कन्सनट्रेसन आ लोअर कन्सनट्रेसन माने सॉल्वेंट रा क्वांटिटी अधिक तुमको ऑलरेडी कही सारी लोअर कन्सनट्रेसन माने सॉल्वेंट रा क्वांटिटी अधिक तो नेटी कौन होची तो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रा मूवमेंट कुआडे होची सॉल्वेंट रु सल्यूशन सल्वेंट रु सल्यूशन बा लोअर कन्सनट्रेसन हायर कन्सनट्रेसन होची एटा मन करबा एटा होची सल्यूशन एटा होची कोन सल्यूशन एटा होची प्योर सल्वेंट मन जोटा नहीं पारियो बा एटा को हायर कन्सनट्रेसन कर दियो एटा लोअर कन्सनट्रेसन कर दियो आम लोअर कन्सनट्रेसन मैंने बुझे प्योर सल्वेंट बा सल्वेंट रो क्वांटिटी आम कौन अच्छे अधिका गिवेन अच्छे कारण आम जानले ऑस्मोसिस कौन होची लोअर कन्सनट्रेसन रु हायर कन्सनट्रेसन मुव कर सल्वेंट रु सल्यूशन साइड को कौन कर मुव कर ऑस्मोसिस चलती रिवर्स ऑस्मोसिस जोटा कि तुम जी सब यूज कर वाटर प्यूरीफायर कितु आम रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ुंट एटा ऑस्मोसिस पढ़ुं आम नेक्स्ट पढ़ा रिवर्स ऑस्मोसिस अच्छी बहुत इंटरेस्टिंग केमी से वाटर को प्यूरीफाई कर देखा क्या आगे बुझे ऑस्मोसिस कौन ऑस्मोसिस जानले कौन लोअर कन्सनट्रेसन रु हायर कन्सनट्रेसन से मुव कला प्योर सल्वेंट साइड रु सल्यूशन साइड को किए मुव कला सल्वेंट मॉलिक्यूल्स मुव कला ओके मुव करुची आम कौन करवा पिस्टन लगे पिस्टन कौन करे प्रेशर चेक करे
কেতে আমি তো মুভ করুছি পিস্টন ঢক 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 হই উপর পড়ো তল উপর পড়ুছি উপর যাও তল করছি উপর যাও তল করছি মানে প্রেসার ক্রিয়েট হচ্ছে আমি কম করিবা সেটি এক্সট্রা কিছু প্রেসার দবা পিস্টন উপরে বা এই সলিউশন সাইডে কিছু কম করিবা প্রেসার ক্রিয়েট করিবা প্রেসার ক্রিয়েট করিয়া দ্বারা এই যে মুভমেন্ট হচ্ছে সলভেন্ট রু সলিউশন সাইড কু পৌঁছিব মুভমেন্টটা বন্ধ হচ্ছে কইছিব এটি মুভমেন্টটা পুরা বন্ধ সেই মুভমেন্ট বন্ধ করিয়া পাই যে এক্সট্রা প্রেসার আমি সলিউশন উপর দেলে তাকে আমি কম কইব অসমোটিক প্রেসার কম কইবা এটি অসমোটিক প্রেসার পুরা ইজি দেখো মু কইছি সলভেন্ট টু সলিউশন সাইড কে মুভ করুতলা জনে মুভ করি চলছি তাকে অটকে বাকি তো ধর एग्जांपल মু মু করছে মন ইচ্ছা যে কোন ক্লাস মনে বসে যাচ্ছে সেই কেস রে তে মোর গুরু লাইক সঞ্জয় স্যার সে থিবে ক্লাস রে মু জিবি পুনে ফেরি আসি তাঙ্কো দ্বারা কোন হলা সে প্রেসার ক্রিয়েট করলে মত যা দ্বারা কি বড় গলি সেই বা সিমিলারলি সলভেন্ট টু সলিউশন সাইড কু সে মুভ করছি সলভেন্ট টু কোডে সলিউশন সাইড কু কে মুভ করছি সলভেন্ট মলিকুলস মুভ করে দ্বারা এই যে পিস্টন লাগে দ্বারা আমি চেক করে কিছু প্রেসার ক্রিয়েট হচ্ছে তাহলে আমি কিছু এক্সট্রা প্রেসার দেওয়া সলিউশন সাইড উপরে যাহা দ্বারা কি সলভেন্ট পার্টিকলস অফ মুভমেন্ট টুয়ার্ড সলিউশন সাইড কু হয়ে যাব বন্ড হয়ে যাব টু প্রিভেন্ট দ মুভমেন্ট অফ সলভেন্ট মলিকুলস ফ্রম সলভেন্ট সাইড টু সলিউশন সাইড जो एक्स्ट्रा प्रेसर आम आप्लाय कले जितेबले कि दीटाक गोटे सेमी परमेबुल मेम्ब्रेन द्वारा सेपारेट होती आम कौन लिख ऑस्मोटिक प्रेसर सर्टकट लिखिपर द एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेसर क्या उपरे सॉल्यूशन उपरे किसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेसर दबा क्या उपरे सॉल्यूशन उपरे जे कि कौन करि परिबो ऑस्मोसिस को बंद कर दे परिबो ऑस्मोसिस होउछ माने कौन होउछ लोअर रु हायर को सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करछ से मुवमेंट को बंद करने कि एक्सट्रा प्रेसर क्रिएट करवा क्या सल्यूशन सैड उपर जे कौन कर सल्भेन्ट पार्टिकल्स मुवमेंट फ्रम सल्भेन्ट टू प्योर सल्यूशन सरी फ्रम प्योर सल्भेन्ट टू सल्यूशन सैड को कौन करवा मुवमेंटा बंद करदे से जो एक्सट्रा प्रेसर आम आप्लाय कले आम कौन कर ऑस्मोटिक प्रेसर ऑस्मोटिक प्रेसर सिंबल आम गिवेन अच्छी कहु कौन कहता पाई कौन कह तन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रो मूवमेंट को बॉन्ड करिया पई सॉल्यूशन साइड उपरे जति के हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर देले जहा द्वारा कि ऑस्मोसिस बॉन्ड हे होची बा मूवमेंट ता बॉन्ड हे होची ताको हम कोन कहले ऑस्मोटिक प्रेशर जहा सिंबल हम गिवन होची पाई तर गिव सिंबल जान गेला हमें एटी फाइव जान ओके तन डिफ्यूजन पडले हायर और लोअर कार सॉलिड पार्टिकल्स मूवमेंट বা লোয়ার ও হায়ার সলভেন্ট পার্টিকলস মুভমেন্ট কিন্তু অসমোসিস কোন হচ্ছে কেবল সলভেন্ট পার্টিকলস মুভমেন্ট হচ্ছে ফ্রম লোয়ার টু হায়ার কনসেন্ট্রেশন যেতবেলে কি সে দুইটা সলিউশন গোটে কোন হইতে সেমি পারমেবল মেমব্রেন দ্বারা কোন হইতে সেপারেট হয়ে সে হলে অসমোটিক প্রেসার পিওর সলভেন্ট বা লোয়ার কনসেন্ট্রেশন সলিউশন মানে হায়ার কনসেন্ট্রেশন লোয়ার কনসেন্ট্রেশন সলভেন্টর কোয়ান্টিটি অধিক আমি জানি আর যে মুভমেন্ট হব ফ্রম লোয়ার সব সলিউশন কনসেন্ট্রেশন টু হায়ার কনসেন্ট্রেশন বা ফ্রম পিওর সলভেন্ট সাইড টু সলিউশন সাইড মুভমেন্ট হচ্ছে মানে যে প্রেসার ক্রিয়েট হচ্ছে সে মুভমেন্ট কু বন্ধ করিয়া পাই আমি সলিউশন উপরে বা সলিউশন উপরে কম করিবা কিছু এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ প্রেসার দবা যাহা দ্বারা কি সে মুভমেন্ট বন্ধ হয়ে যাব সে মুভমেন্ট বন্ধ করিয়া পাই যেতবে এক্সট্রা প্রেসার যে দরকার পড়িলা যেতবে কি দুইটা অঙ্গ গোটে সেমি পারমেবল মেমব্রেন দ্বারা সেপারেট হয়েছন্তি সে এক্সট্রা ফ্রেটর যে প্রেসার যে দরকার পড়লা তাকে আমি কম কইলে ঠিক অসমোটিক প্রেসার কইলে অসমোটিক যদি স্ক্রিনশট নিয়ে যাও জলদি ওকে 1 2 3 তাই বুঝ পারলো না বুঝ পারলো নি ঠিক আছে তার নামে অসমোটিক প্রেসার জানি তাহলে আমি দেখিবা অসমোটিক প্রেসার ওটে কলিগেটিভ প্রপার্টি কি নিয়ম প্রুফ করে তারপরে আমরা করতে দরকার কি ভ্যান্ট অফ ডাইলুশন থিওরি আমি কোন জানি পাইলি পাই পাই মানে কোন অসমোটিক প্রেসার ই ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু মোলার রেট কনস্ট্যান্ট কোন আছে বয়েলস মানে আমি জানি কোন কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট
Similarly, from Charles Van't Hoff law, Charles Van't Hoff law, वो गामे कौन पाई लेटी? Phi osmotic pressure टा जितने temperature बढ़ी बस इतना होती है। Van't Hoff माने बाब Charles law माने अन कौन जानते थे? कौन सी pressure constant? कौन जानते थे pressure? तन एबे दीटा को above equation को कौन करीबा थी? दीटा के above equation का हमें कौन करीबा थी? कांस्टेंट कर देबा सॉरी हमें कौन करिया तो कंबाइन कर देबा नोट एटिक एकदम भूल लिख दे छी देखि देबा ठीक चेक कर हला बॉयल सर हम जान चल देती टेंपरेचर कांस्टेंट आ चार्ल्स सर कौन से थी प्रेशर कांस्टेंट और नॉर्मल प्रेशर हम कांस्टेंट पर ओके बात हमें दी लॉ किस नाम होना पड़ छी डायरेक्ट लिख दे परिवो फ्रॉम वैंट ऑफ लॉ हम कौन जाने पहले प्रथम देखिले जेटा ऑब्जर्वेशन ने ऑस्मोटिक प्रेशर होची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर रेटी और ऑस्मोटिक प्रेशर होची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेंपरेचर बा एब्सोल्यूट टेंपरेचर हम करते तन दीटा को हम कंबाइन करिबा कंबाइनिंग अबव टू एक्सप्रेशन कंबाइनिंग अबव टू एक्सप्रेशंस कंबाइनिंग टू अबव टू एक्सप्रेशन हम कौन पाइबा पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमटी पाई टाइप कौन होती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमटी कंबाइन कर देंगे प्रोपोर्शनल टू उठले हम जान छु तो कांस्टेंट आसे सो कांस्टेंट नेच बाटी एम कांस्टेंट ले एम आर कांस्टेंट कांस्टेंट आर हमें आ जान छनी कोन ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट लिख परबा और ताको जोटा की नियरली इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ज्यादा वैल्यू जान छ 0.081 हे परबो 2 कैलोरी आई परबा 8.31 तो 0 हे परबो मन रख फर्स्ट तन एम आर टी हे गला किंतु आमे जान छथि मोलारिटी रा फार्मूला टी होची मन रखिबो एब्सोल्यूट टेंपरेचर हम जान छथि बेटा टी होची एब्सोल्यूट टेंपरेचर बा केल्विन टेंपरेचर लिख परबा नेक्स्ट होची आर होची रियल गैस कांस्टेंट टी होची एब्सोल्यूट टेंपरेचर और पाई हम जान छथि कोनो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जान दे कोन की ऑस्मोटिक आमे जान ले को मोलारिटी कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट केते रे प्रेजेंट थिबो पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर कांस्टेंटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कोथरे इन लीटर और 1000 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ताहाले एउठ हम जानि पाछंती पाई बा ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली का हो डिपेंड कोच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर हम जान छथि जति गोटे सॉल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी का हो डिपेंड करछि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर ताले हमें पाई बा ऑस्मोटिक प्रेशर का हम कोन कहि पाइबा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पाई बा ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोन लिख पाइबा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोन पाई जेहेतु जेहेतु ये कोन करछि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिपेंड करछि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर जे डिपेंड वाला ता काम कोन कहि परबा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर कोन कहि पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओके जल्दी स्क्रीनशॉट में जाओ त हम जान ले कि पाई इज इक्वल टू एम आर टी हला और कहि दो छी केस रे हम जान गेल कोन पाई इज इक्वल टू एम आर टी त पाई इज इक्वल टू एम जगह हम कोन पके परबा नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू आर टी पाई जगह मतलब नंबर ऑफ मोलारिटी जगह हम कोन पके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम फुल कर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ओट कंप्रेसर तो तने पाई जगह हम पी लिख पे तने पी इज इक्वल टू एन बाय वी आर टी वाह हमें पाई गला एठी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाह सर बहुत तो इजी एना तुम फर्स्ट ईयर पढ़ी छ चंदी आइडियल गैस इक्वेशन पूरा देखो फर्स्ट ईयर से रिलेट कर दे तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जो काम करत छ वैंट ऑफ डाइल्यूशन थ्योरी जे कि गैस पाई सेम टेंपरेचर भी एरा बाहर था जहां गैस पाई लिक्विड नेचर ने गैस नहीं ले पी वी इज इक्वल टू एन आर टी बाहर ओके बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ हम जान जति ए बी सी गैस लॉ अवोगाड्रोस लॉ बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ कॉम्बिनेशन हम हो छले ए देई केस रे बॉयल्स वैंट ऑफ इक्वेशन तो वैंट ऑफ लॉ चार्ल्स वैंट ऑफ लॉ को हम कंबाइन करी कि रे कांस्टेंट नी असले आ सही केस रे मोलारिटी जगह हम कोन पाई गेले एन बाय वी पाई गेले लेकिन अवोगाड्रोस लॉ भी अप्लाई हे गेला जते कि वी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देले हम कोन पाई गेले थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी एंड पाई जानिले कोन रहोटे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड पाई रो यूनिट कोन हि परबो यूनिट यूनिट ऑफ पाई कोई भी प्रेशर जहाँ यूनिट से आसीबो एटीएम आसीबो बार आसीबो पास्कल आसीबो
न्यूटन आसीबो डाइन आसीबो मु कन्वर्सेशन पर नोट तम दे दिछि एमे सब जहां प्रेशर है यूनिट तम ऑस्मोटिक प्रेशर भी यूनिट्स भी सेम आसीबो ओके जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ने के जल्दी जल्दी ओके देन हम ऑस्मोटिक प्रेशर जानि गेले जेटा कि हम कोन पाइ छले थी पाई वी पा पाई एन बाय वी आर टी हम फर्स्ट ईयर आइडियल गैस इक्वेशन तो कंपेयर कर देले हम कोन पाइ गेले थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जेतु ऑस्मोटिक प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड ऊपर डिपेंड करू छी सो दैट हम कोन पाइ परबा ओटे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन को हम क्लासिफाई करले थ्री टाइप्स द आइसोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक बहुत इजी आइसो माने कोन बुझछ सेम हाइपो माने लेस हाइपर माने अधिक हाइपर बुझ पतबो हाइपर माने कोन आसीबो जदि दीटा सॉल्यूशन आसीबे कोन सेट दीटा सॉल्यूशन मार्कर मार्कर दीटा सॉल्यूशन आसीले सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 ते सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 रे जदि एमानकर ऑस्मोटिक प्रेशर एमानको मोलारिटी यदि मोलारिटी समान हो टेम्परेचर भी कौन सी समान आस देखा एम सामान थी तेम पाई वन इज इक्वल टू पाई टू एम वन इज इक्वल टू एम टू टी वन इज इक्वल टू टी टू रोच कौन कह आइसोटोनिक सल्यूशन मैं दुटा सल्यूशन कौन थी सेम मोलारिटी सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर थी डायरेक्ट देख नोट लिखा है कौन सल्यूशन हाविंग सेम मोलार कन्सनट्रेसन विल हाव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर ए पेयर अफ सल्यूशन विथ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर डोंट इन्वॉल्व एनी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू एसपीएम एंड आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन माने किछि जेतु समान अछि दिजन को कंसंट्रेशन भी समान अछि ऑस्मोटिक प्रेशर भी समान अछि टेम्परेचर भी समान अछि एते मूवमेंट किछि हेबार चांस नै मूवमेंट हम बात नै सेम अछि मान को ऑस्मोटिक प्रेशर एंड देखियौ जो सॉल्यूशन न मोलर मोलर कंसंट्रेशन सेम रहौ छि त ऑस्मोटिक प्रेशर समान रहै ऑस्मोटिक प्रेशर कमान हो माने टेम्परेचर समान जानते कौन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स वैंडम थ्योरी कौन जान ले ऑस्मोटिक प्रेशर हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर तो ऑस्मोटिक प्रेशर समान हो तो टेम्परेचर भी समान रहे देखिले सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन दुटा सॉल्यूशन जहाँ मोलार कंसंट्रेशन सेम मोलारिटी सेम ऑस्मोटिक प्रेशर सेम एंड टेम्परेचर सेम ताको हम कौन कहिबा आइसोटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक कौन आसीबो जदि दुटा कंसंट्रेशन यदि ऑस्मोटिक प्रेशर जनकर कम आसला जनकर कम आसला अधिक आसला से कैसे कहीं जी मोलारिटी भी चेंज हो मोलारिटी भी जहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कम आसो तार मोलारिटी कमी आ टेम्परेचर भी हटात कम से भी टेम्परेचर कमी डिफरेंट टेम्परेचर हो सेम टेम्परेचर हो बुझे ना बुझे जो दुटा ऑस्मोटिक प्रेशर सामान ऑस्मोटिक प्रेशर मान तार मोलार कंसंट्रेशन मोलारिटी भी सामान आस टेम्परेचर सामान आस सामान सब से सिमिलरली हाइपर कौन आस जनकर मोलार कंसंट्रेशन कमी जाए मोलार कंसंट्रेशन कमी मानते नंबर ऑफ मोल्स कमी जाए जहाँद्वर कि ऑस्मोटिक प्रेशर कमी से केस कौन हम जब जनकर कम आसला से केस कौन कह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कह हाइपोटोनिक कौन आस जनकर अधिका थी तेज पाई वन ग्रेटर दैन पाई टू मानने कौन जाना मोलार कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 इज ग्रेटर दैन मोलार कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 2 और टेम्परेचर भी अधिक आस डिफरेंट आस जार समान आसा तक आइसोटोनिक जर कम आसूच गोटे सल्यूशन कंपेयर करवा जर कम आसमें कौन कह हाइपोटोनिक जो कि अधिक आसो तक आम कौन कह हाइपरटोनिक सल्यूशन कौन कह हाइपरटोनिक बट आम सरला आज थियोरिटिकल आम कौन कर किसी प्रोब्लेम सल्व करदे तुम्हें माइंड फ्रेस किसी प्रोब्लेम सल्व कर ओके जल्दी 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 स्क्रीनशॉट नहीं जाओ ओके ओके बहुत इजी हाइपोटोनिक आइसोटोनिक हाइपरटोनिक बहुत इजी ना सॉल्यूशन देखिबा फर्स्ट तरह क्वेश्चन की सॉल्व करिबा क्वेश्चन 1 कोन देछि कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर कोन देछि ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 5% ड्यू टू 5% डब्ल्यू बाई वी ड्यू टू 5% डब्ल्यू बाई वी कैन सुगर सॉल्यूशन एट 15 डिग्री सेल्सियस
কেন সুগার সলিউশন আট 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম করিবা আর অসমোটিক প্রেসার চেক করিবা আগে দেখি দেবা 5% 5% W by V কেন সুগার মানে ওয়ান টাইপ অফ সুগার যার ফর্মুলা কোন লিখিবা C12 H22 O11 5% অফ কেন সুগার মানে মনে রাখিবা কোন 5 গ্রাম অফ মানে পার্সেন্ট মানে 100 গ্রাম জানছেন মানে 5 গ্রাম কার কেন সুগার কোতে ডিজল হইছি 100 মিলিলিটার সলিউশন ডিজলভ ইন ইন কোসিলা 100 মিলিলিটার সলিউশন আমি বুঝি গেলি মানে এই সুগার কেন গিভেন ওয়েট কে দেদিলা এটি 5 গ্রাম বা W কে দেদিলা এটি 5 গ্রাম আর মলিকুলার ওয়েট আমি জানছেন 340 আমার ফর্মুলা কোন আছে ফাই ইজ ইকুয়াল টু এম আর টি ফাই ইজ ইকুয়াল কোয়া আছে এম আর টি জানছেন আর এম এর ফর্মুলা আমি জানছেন এন বাই ভি আর টি আপনি নাম্বার অফ মোলস এর ফর্মুলা আমি জানছেন কোন W বাই এন মানে 5 বাই 342 কোন আছে এটি নাম্বার অফ মোলস ভলিউম কে দেইছি তা অসমোটিক প্রেসার ভলিউম কে দেইছি 100 মিলিলিটার জানছেন 5 মিলি ग्राम रे केता छ 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन एतु मिलीलीटर को हम कम करबा एठी लीटर को कन्वर्ट करबा त 100 डिवाइड बाय 1000 केता आसला एठी 0.1 लीटर दसला 0.1 माने पुट कर दबाबे 35 बाय 342 इनटू 0.1 इनटू केसला आर वैल्यू दिला एग्जांपल दे आर वैल्यू देखो तमो देखिबो एटी 0.082 देछि 0.082 इनटू टेंपरेचर 515 डिग्री सेल्सियस केल्विन कन्वर्ट कर दियो 273 प्लस 15 इज इक्वल टू 288 आंसर पाटा को कैलकुलेट कर दबो आंसर बाछिबो देख आंसर एप्रोक्सीमेटली तम किलो के तो अच्छे 3.4 बाछ कितना अच्छे थी 3.4 पर आडा फार्मूला किंतु तमको बुझिया पड़िबो 5 ग्राम बेटा कि एरा मेन पूरा ऑलरेडी कह सारी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम पाई सब नॉर्मल की मोलारिटी मोल फ्रैक्शन सब डिटेल्स जान ला पर ही तुम कौन कर पाइब फार्मूला पुट कर के आंसर कर पाइब ओके जल्दी स्क्रीनशॉट ले जाओ ओके ओके क्वेश्चन नंबर 2 जबाबे हां देखो तुम क्वेश्चन नंबर 2 लिख दो तले हम सॉल्व करबा ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 कौन देछि 200 सीसी पर सेंटीमीटर क्यूब of aqueous solution contains कौन contain कर ची 1.26 ग्राम of a polymer 1.26 ग्राम of a polymer कौन polymer माने many molecules में से कौन करीबे present molecules formation करीबे देखो polymer कौन the pi by the osmotic pressure the pi of this solution kon dechi is 2.6 is 2.6 into 10 to the power minus 3 10 to the minus 3 atm at 27 degree celsius at 27 degree celsius calculate molar mass of polymer कौन पूछा ची molecular mass पर molar mass पूछा ची जल्दी ऊपर सही गला ओके इवेली ठीक ची ओके polymer आम जाने अंदी polymer कौन पूछा ची molar mass पूछा ची तो आंसर लिखी बा हम अगर फार्मूला कौन अच्छी पाई इज इक्वल टू एम आर टी अच्छी कौन सी पाई इज इक्वल टू कौन अच्छी एम आर टी मोलारिटी का फार्मूला जान जल्दी नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम इनटू आर इनटू टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम बाहर करिया पई हले हम कौन दरकार कहिथिली गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट तरेटी गिवन वेट की दैछि कि कंटेंस 1.26 का ठीक अछि पॉलीमर तन गिवन वर्ड के दिजे थी 1.26 डिवाइड बाय मोलर मास एडा हम दरकार ठीक अछि ठीक छ तो x नै जाओ 1.26 डिवाइड बाय कितना x
हमको पाई गिवन कर दीजिए ठीक 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एटी 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एटी ओके गिवन वेट बाय मॉलिक्युलर वेट तो मॉलिक्युलर वेट हमको पचार आर वैल्यू दे से 0.082 ठीक अछि अब टी रा वैल्यू के दे दीजिए टी 227 डिग्री सेल्सियस तक कन्वर्ट कर दियो केल्विन को 300 केल्विन ठीक अछि आर वैल्यू दे दी से सेम 0.0821 ओके पुट कर दबा नंबर ऑफ मोल्स यार हम कौन पके दिला डब्ल्यू जारे कौन पके ले 1.26 डेड बाय एक्स अब वॉल्यूम हम जान चंदी वॉल्यूम के दे छे थी 200 सीसी बात आपको कन्वर्ट कर दियो 1000 डिवाइड कर दियो केते पाई जीवा थी 00 कैंसिल हो गेला 2/10 बा 0.2 पाई गेले तन एक्स इनटू केते आसीला 0.2 एन बाई जीरो काम शेष आर वैल्यू आमको दे 0.0821 इंटू टेम्परेचर के 300 केल्विन अब फाइव रो वैल्यू आमको गिवन अछि केते 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस पर सरला माने एक्स ने एस एपुट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो त कोन पाइ जबे एक्स इज इक्वल टू 1.26 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 0.082 इंटू 300 कैलकुलेट कर दबो आंसर पाइ जबे कैलकुलेटर यूज करियो ने आंसर खाली तुम कह दोची आंसर एप्रोक्सीमेटली केते आसीबो 60000 ग्राम पर मोल मोलर मास ग्राम पर पहुंचिबो मोल आसीबो पूरा डाटा तुमको अछि खाली पुट करियो आंसर भर करियो किछि नै असुविधा किछि सब डाटा तुम आगर फछि जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट नै जा और प्रॉब्लम करबा क्लास ओवर करबा जल्दी ओके ठीक अछि लेवेली ठीक अछि प्रॉब्लम लास्ट प्रॉब्लम एउटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन बा हाइपोटोनिक बा हाइपर जे कोनो प्रॉब्लम करतबा कोन दे देखिया क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 कोन दे छी ए 5% WYV सॉल्यूशन ए 5% WYV केन सुगर सॉल्यूशन से तो ठीक अच्छा केन सुगर सॉल्यूशन केन सुगर सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक इज आइसोटोनिक इज पहुंचला आइसोटोनिक विथ इज आइसोटोनिक विथ 0.877% कार यूरिया सॉल्यूशन यूरिया सॉल्यूशन गिवन देच पचा जी कौन इफ मोलर मास ऑफ केन सुगर इज 40 हम जान जती मॉलिक्यूलर मास ऑफ केन सुगर होची 342 इफ मोलर मास ऑफ केन सुगर 342 कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया हम जान जते यूरिया केते 60 कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया यूरिया रो हम मास जान जते किंतु हम बाहर करियो को पड़िबो प्रोसेस यूज यदि यूजिंग प्रोसेस हम बाहर करियो को ओके तन केन सुगर 5 ग्राम केन सुगर हम जान जते 5% केन सुगर डब्ल्यू वाई भी केन सुगर कहै छै आइसोटोनिक 5% W/V केन सुगर माने हमें बुझबा 5% W/V केन सुगर माने 5 ग्राम ऑफ केन सुगर कहै छी ऑलरेडी कहि सछि केन सुगर डिजॉल्व होइ छी कोथरे डिजॉल्व्स इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन अगेन यूरिया रे के दै छी यूरिया 0.877% यूरिया बा डब्ल्यू बाई भी कौन देखिए डब्ल्यू बाई भी तो हाँ डब्ल्यू बाई भी ऐसे भी देखिए माने 0.877 ग्राम यूरिया डिजॉल्व्स इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन हम गिवन कौन देला यूरिया रो ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक माने कौन बुझिबा यूरिया रो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू केन सुगर ऑस्मोटिक प्रेशर कौन अच्छी सेम अच्छी नेक्स्ट पाई वन माने देखिए एम वन आर टी वन इज इक्वल टू एम टू आर टी टू आइसोटोनिक माने कौन समान आसीब कहली आर आर कैंसल हो गया आइसोटोनिक टेम्परेचर भी नॉर्मल रहा सो एटी मोलारिटी भी समान आसीला हम जानछन आइसोटोनिक सॉल्यूशन आसी माने मोलारिटी कौन से समान आछि तन मोलारिटी फार्मूला जानछन कोन नंबर ऑफ मोल्स बाय वी1 बा वॉल्यूम n1 by v1 by n2 by cos 32
n1 by v1 is equal to n2 by constant v2. The number of moles by given water formula mana pakao. तने तो आइसोटोनिक आसी आउ छी वॉल्यूम भी समान आसी छी वॉल्यूम वॉल्यूम तो से का कौन कैंसिल हे गेल त नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फार्मूला में जदि यूरिया पे पके देबा 5/342 इज इक्वल टू गिवन वेट दे छी केते 0.877 डिवाइड बाय केते आसो यूरिया रे मास पके तबा x त हम कौन पाई छी बाठी 5x इज इक्वल टू 342 इनटू 0.877 सो x इज इक्वल टू 342 into 0.877 divided by 5 char approximate value asibo 60 grams ani yure mass am janchanti kintu isotonic re padle ami kemiti solve kariba taku mu solve out kariba okay clear am class over kariba kintu class over kariya purburu osmosis ta ko author kariba osmotic pressure reverse osmosis ame osmosis kon janile lower concentration higher concentration mu move kariba taku am pressure apply kole मूवमेंट का बंद कर यदि एक्स्ट्रा प्रेशर दबा को हम त को हम हायर रु लोअर कंसंट्रेशन मूव करी त ऑस्मोसिस तो उल्टा कोन ऑस्मोसिस लोअर रु हायर को जाउतला अधिक प्रेशर दबा चेंज हो जीव हायर को पड़ जीव लोअर को जीव त कम रिवर्स ऑस्मोसिस को जेउटा कि तमरो वाटर प्यूरीफायर यूज कराउ छी तीन प्रकार ऑस्मोसिस पड़िवो रिवर्स ऑस्मोसिस एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्जो ऑस्मोसिस जो बहुत इंपोर्टेंट हमें भी देखिले चारटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल हम देखिसले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फर्स्ट होइला सेकंड कोन आसीला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेकंड तीन नंबर रहिला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ चार नंबर हम कोन जानले ऑस्मोटिक प्रेशर चट्टा ऑलरेडी पछन बहुत बहुत इंपोर्टेंट आप राशि जो वेंट ऑफ फैक्टर देखि सब लॉ चेंज हो हटा सब लॉ हम जति के लॉ भी करचंती नॉर्मली सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट पे करचंती डिसोसिएट द वैल्यू 1 रहबो आयनाइजेशन वैल्यू 1 रहबो त तो नो इलेक्ट्रोलाइट नहीं जीवा आई रो वैल्यू चेंज है जीवा आई रो वैल्यू चेंज है गेले कोन करिया पड़िबो सेउटी ही तबर कांसेप्ट आसीबो ये तो नॉर्मल कांसेप्ट इजीली हम सॉल्व करि पाले नेक्स्ट पड़िबो वेंट ऑफ फैक्टर सहित केमिनी सब लोग हम कंपेयर करिबा सब फार्मूला चेंज है जीवो तो तर आई मल्टीप्लाई करा है जीवो आई हम केमिति कैलकुलेट करिबा ते गुड़ाई आसीबो लास्ट तुमको रिमाइंड कर दउ छी एथा तुम गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉलो मार्क्स स्कोर करिया सो एबेटु लागि पड़ो जहाँ द्वारा कि परीक्षा जो स्टार्ट हम तुम ये वोरी हेबार चान्स बहुत कम समय तुम हाथ में जानते मार्च सुधा जमी एग्जाम हम कोर्स किसी कमी पारे से अलग कथा कि डिपेंड न करी पढ़ी चल एवं कौन गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिनिमम फर्स्ट क्लास पाइबा 90% बहुत इजी हो भलसे जी पढ़ 90% थुआ सो बी रेडी किसी टाइम वेस्ट करनी बढ़िया टाइम तुम्हें कुआटे जबार नहीं घर बस पाठ पढ़ सब जहाँ डाउट अच्छे केमिस्ट्री यू कैन आस्क मी फील फ्री टू आस्क मी कौन किसी डाउट करना नहीं लाज करना नहीं छोट मोट डाउट पचारिपर ओके टिल देन गुड बाय गॉड ब्लेस यू ऑल।